इस टॉपिक का टाइटल है फाइव कॉमन नेटवर्क प्रॉब्लम्स सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द टॉपिक देखते हैं इस टॉपिक को कवर करने के बाद स्टूडेंट विल बी एबल टू डिस्क्राइब फाइव कॉमन नेटवर्क प्रॉब्लम्स जो फिगर्स हैं जो मटेरियल है इन दिस टॉपिक दे हैव बीन अडॉप्टेड फ्रॉम द बुक विद द टाइटल ट्रबलशूटिंग विद वायरशॉक लोकेट द सोर्स ऑफ परफॉर्मेंस बाय लॉरा चैपल 2014 सबसे पहला नेटवर्क जो प्रॉब्लम है जो कॉमन नेटवर्क प्रॉब्लम है वो देखते हैं पी सी पी कनेक्शन रिफ्यूज्ड बाय अ सर्वर ए सर्विस मे बी नॉट इफ इन दिस केस क्या हो सकता है ए सर्विस मे बी नॉट रनिंग ऑन ए सर्विस और परेप्स इफ फायरवॉल इज प्रवेंटिंग द कनेक्शन ये जो प्रॉब्लम है ये तबिय रईज़ हो सकती है जब आपके पास क्या पोर्ट आपकी क्लोज होती है अगर हम इस डाइग्राम में देखें तो ये जो प्रॉब्लम है ये जो इश्यू है इसको डिपेक्ट किया गया है आपके पास एक लैपटॉप दिखाया गया है वो एक स्विच के साथ कनेक्टेड है राउटर है स्विच है और सर्वर है जो ये लैपटॉप है ये क्लाइंट है और वो सर्वर जब क्लाइंट ने क्या जनरेट किया टी सी कनेक्शन इस्टबलिश करने की कोशिश की तो सबसे पहले थ्री वे हैंड शेकिंग होती है इसका जो पहला सेगमेंट है उसके अंदर सिंक की जो बेट है वो ऑन है जब उसने क्लाइंट ने सर्वर को सिंक की बेट वन ऑन की इट्स ट्राइंग टू एस्टैब्लिश ए टी कनेक्शन सर्वर आगे से क्या कर रहा है उसको रीसेट कर रहा है तो सर्वर आपके से कनेक्शन को रिफ्यूज कर रहा है इस प्रॉब्लम के जो सिम्टम्स हैं कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यह प्रॉब्लम अकर हो रहा है हम क्लाइंट uh, सिंक का पैकेट भेज रहे हैं क्लाइंट जो सिंक के के पैकेट में सर्वर क्या करता है रीसेट कर देता है या क्लाइंट जब सिंक का पैकेट जनरेट करता है तो सर्वर से क्या रिस्पॉन्स आता है डेस्टिनेशन इज अनरीचेबल और पोर्ट इज अनरीचेबल अनरीचेबल आईसीएमपी पैकेट जनरेट कर रहा है सर्वर विद टू मैसेजेस दूसरा जो कॉमन प्रॉब्लम हो सकता है वो है एप्लीकेशन रिक्वेस्ट रिफ्यूज हम एप्लीकेशन रिक्वेस्ट जनरेट कर रहे हैं लेकिन सर्वर उसको रिफ्यूज़ कर रहा है आइडियली क्या होना चाहिए क्लाइंट मेक्स द रिक्वेस्ट ऑफ द सर्विस और सर्वर क्या करे टाइम इन ए टाइमली मैनर रिस्पॉन्ड बैक करे लेकिन इस केस में क्या हो रहा है कि एनी सर्विस रिफ्यूजल शुड बी ऑफ द कंसर्न ऑन द नेटवर्क क्लाइंट जनरेट कर रहे हैं रिक्वेस्ट लेकिन सर्वर आगे से रिस्पॉन्स नहीं दे रहा तो पॉसिबल सिम्टम्स हम इस इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं क्लाइंट रिक्वेस्ट फॉलोड बाय एन एप्लीकेशन एरर रिस्पांस लाइक एच टी टी पी फोर जीरो फोर डॉक्यूमेंट इज़ नॉट फाउंड या डी एन एस में कोई डी एन एस नेम में जो वो कोई प्रॉब्लम आ रही है आपके पास आई सी एम पी डेस्टिनेशन इज़ अनरीचेबल का मैसेज आ सकता है डेस्टिनेशन पोर्ट इज़ अनरीचेबल अगर आपको इस तरह के सिम्टम्स नजर आए तो इसका मतलब यह है कि ये प्रॉब्लम अकर हो रही है तीसरा जो कॉमन प्रॉब्लम जो नज़र आता है वो है कनेक्शन इज़ ब्लॉक बाय ए होस्ट बेस्ड और ए नेटवर्क फायर तो कोई होस्ट बेस्ड फायर है या नेटवर्क फायर है वो क्या रही है? Connection कर रही है कनेक्शन को ब्लॉक कर रही है सो आइडियली क्या होना चाहिए होस्ट वुड नॉट इवन अटेम्प्ट टू कम्युनिकेट विद फायर वर्ल्ड रिसोर्सेज तो जो आपके होस्ट होने चाहिए वो फायर वर्ल्ड रिसोर्सेज के साथ कम्युनिकेट नहीं करना चाहिए अगर कोई अटैप्ट हो रही है तो ये किस वजह से हो सकती है कोई मिसकॉन्फिग्रेशन हो गई है कोई मलेशियस यूजर है या कोई और इशू भी हो सकता है इस प्रॉब्लम की जो पॉसिबल सिम्टम्स हैं वो क्या हैं नो रिस्पॉन्स टू इस सिंक पैकेट क्लाइंट ने सिंक पैकेट भेजा कोई रिस्पॉन्स नहीं आया या उसने सिंक पैकेट भेजा तो आगे से रीसेट विद एन एक्नोलॉजमेंट आ गया है चौथा जो कॉमन प्रॉब्लम जो नेटवर्क में आता है वो क्या हो सकता है स्लो एप्लीकेशन एट द सर्वर साइड द गुड न्यूज़ इज़ दैट द सर्वर इज डिड नॉट रिफ्यूज टू प्रोवाइड इिसाइड सर्विस क्लाइंट ने सर्वर के साथ कम्युनिकेशन की सर्वर ने अब अब उसको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है ये तो गुड न्यूज़ आ गई लेकिन वट इज़ द बैड न्यूज़ द बैड न्यूज़ इज़ देट द सर्वर इज़ वेरी स्लो अब ये जो सर्वर का स्लो होना है इसकी क्या वजह हो सकती है सर्वर स्लो हो सकता है बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ प्रोसेसिंग पावर एट द सर्वर साइट प्रोसेसर के उसका जो सर्वर है प्रोसेसर उसका बहुत स्लो चल रहा है या वो क्या कर रही है जो एप्लीकेशन वो पुरली बिहेव कर रही है या ये भी हो सकता है वो सर्वर बहुत हैवीली लोडेड है या ये भी हो सकता है कि वो कोई मल्टी टर्ड आर्किटेक्चर यूज़ कर रहा है और एक स्लो अपस्ट्रीम सर्वर क्या कर रहा है एक्चुअली देर इज़ प्रोवाइडिंग द डेटा वो बहुत स्लो हो चुका हुआ है तो ये कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से आपका सर्वर जो है ना सर्वर साइड पे जो एप्लीकेशन है वो बहुत स्लो चल रही होती है इस डायग्राम में हमने इस प्रॉब्लम को डिपिक्ट किया है क्लाइंट है स्विच है राउटर है स्विच है और सर्वर है क्लाइंट ने क्या किया इनिशिएट किया और उसने गेट का मैसेज दिया आई वॉन्ट टू गेट दिस इज एन एच कमांड गेट की कमांड निकली आगे से रिस्पॉन्स आया एक्नोलिजमेंट आया लेकिन अगर आप देखें तो डिले बहुत ज़्यादा आ रहा है तो एप्लीकेशन का जो रिस्पॉन्स है वो बहुत डिलेड है और वो इस वजह से हो सकता है कि सर्वर बहुत ज़्यादा लोडेड है उसके पास कुछ और प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं अब इस जो इशू है या जो जो प्रॉब्लम है इसकी सिम्टम्स क्या होंगी हमारे पास हम इसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम टी सी पी बेस्ड एप्लीकेशन में क्या होगा कि क्लाइंट ने क्या किया क्लाइंट को एक्नोलिजमेंट मिल रहा है और क्लाइंट ने क्या किया रिक्वेस्ट भेजी और जो रिस्पॉन्स आया उसके अंदर एक बहुत गैप आ गया बहुत डिले के साथ आ गया तो आप टी सी पी बेस्ड एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं तो डिले दे, के साथ आ रही है एक्नोलिजमेंट्स तो आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को लेकिन अगर आप यूडी पी बेस्ड एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं तो लार्ज डिले बिटवीन ए रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स डेटा कैन एक्चुअली गिव यू एन आइडिया कि ये प्रॉब्लम अकर हो रही है जो फिफ्थ ईशू हम इस टॉपिक में डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम है स्लो लोड ऑफ रिमोट कॉन्टेंट मैनी नेटवर्क डिजाइन विद मल्टी टेड आर्किटेक्चर मल्टी टेड आर्किटेक्चर का क्या मतलब होता है फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक क्लाइंट की एग्जाम्पल लें जो क्या कर रहा है एक सर्वर के साथ कम्युनिकेट कर रहा है उसे सर्वर वन को रिक्वेस्ट भेजी मल्टी टेड आर्किटेक्चर में क्या होगा दैट सर्वर मे नॉट नीड टू ऑप्टेन इंफॉर्मेशन दैट सर्वर मे नीड टू ऑप्टेन इंफॉर्मेशन फ्रॉम सर्वर टू सर्वर थ्री फोर फाइव सर्वर के मल्टी सर्वर्स के साथ उसे कम्युनिकेट करके उस इंफॉर्मेशन को ऑप्टेन करना है तो जब उसने इंफॉर्मेशन ऑप्टेन कर ली फिर वो क्या करता है सर्वर वन क्लाइंट के साथ रिस्पॉन्स दे देता है उसको वी नीड टू कैप्चर दिस मल्टी ट्रैफिक टू प्रैफिकमिन विच सर्वर इज़ एक्चुअली रिस्पॉन्डिंग वेरी स्लोली इसके पॉसिबल सिम्टम्स क्या हो सकते हैं कोई टी सी पी बेस्ड एप्लीकेशन अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो लार्ज डिले बिटवीन द सर्वर एक्नोलिजमेंट टू ए क्लाइंट रिक्वेस्ट एंड द रिस्पांस डेटा अगर आप यू डी बी बेस्ड एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं तो लार्ज डिले बिटवीन ए रिक्वेस्ट एंड द रिस्पांस डेटा अगर ये सिचुएशन आ रही है तो ये एक पॉसिबल प्रॉब्लम हो सकता है इस टॉपिक में हम लोगों ने नेटवर्किंग में जो पांच डिफरेंट कॉमन प्रॉब्लम्स हैं उनको अंडरस्टैंड किया और उनको एक्सप्लेन किया विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स।